हर राशि के इंसान में कुछ नकारात्मक और सकारात्मक गुण होते हैं जो उस व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर बात आपके संबंध की हो तो आपके लिए यह जानना जरूर आवश्यक हो जाता है कि किस राशि के व्यक्ति में कौन कौन से नकारात्मक गुण हैं, साथ ही आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं राशियों के हिसाब से व्यक्ति के नकारात्मक गुणों के बारे में। मेष राशि के जातक में ये खासियत होती है कि जब तक खुद को आकर्षित करने वाली किसी चीज को हासिल न कर ले वो उसे चैलेंज की तरह लेते हैं, लेकिन जब उसे हासिल कर लेते हैं तब उसमें कोई रुचि नहीं लेते। कई बार उनका जो मिनटिंग नेचर आपको हर्ट कर सकता है। वृषभ राशि के जातक जब डेट पर जाते हैं तब भी सस्ती जगहों पर जाना पसंद करते हैं। ये इनकम और पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। इनके लिए प्यार के साथ साथ बैंक बैलेंस भी जरूरी है। मिथुन राशि के पुरुषों को समझना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है। जब वो पार्टनर के साथ होते हैं तब भी ऑफिस के फोन कॉल्स लेते रहते हैं। वही इस राशि की महिलाएं अपने एक्साइटमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। कर्क राशि के जातक भावुक होते हैं और अपने ही कम्फर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी अपने गलत निर्णय की वजह से मुश्किलों को दावत दे देती हैं। हालांकि उससे बचने के लिए इनके पास कोई न कोई रास्ता जरूर रहता है। सिंह राशि के जातक अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर रहते हैं। ये हमेशा अटेंशन पाने के भूखे होते हैं। अपने तानाशाही रवैये के कारण अक्सर ये आपकी भावनाओं का भी ख्याल नहीं रखते। इन्हें ज्यादातर समय मिलने के गिफ्ट पसंद होते हैं। कया राशि के जातक दूसरों की तारीफ करने में कंजूसी बरतते हैं। सफाई और स्वास्थ्य को लेकर कभी कभी काफी परेशान कर देते हैं। इनके लिए परफेक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये कुछ नया करने से हमेशा बचते हैं। इन्हें अपनी रूटीन जिंदगी जीने की आदि होते हैं। ये छोटी छोटी बातों को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन काफी रोमांचक होते हैं। तुला राशि के जातक कभी कभार मुश्किल परिस्थितियों में घबरा जाते हैं। इन्हें हमेशा अपने पार्टनर के साथ रहना काफी पसंद रहता है, जिसकी वजह से कई बार समस्या आ सकती है। इस राशि के जातक अपनी बुद्धिमानी की श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं। ये अपनी नापसंद को सार्वजनिक तौर पर जाहिर करते हैं। इन्हें क्या नहीं पसंद ये अपने पार्टनर को खुलकर बता देते हैं। वृश्चिक राशि के जातक प्यार का पहला पड़ाव पार करने के बाद ये अपना असली रंग दिखाते हैं। ये आप पर अपना पूरा नियंत्रण रखने के लिए आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। अगर इन्हें जरा भी शक हो कि उन्हें धोखा दिया गया है तो ये अपना आपा खो बैठते हैं। धनु राशि के जातक कमिटमेंट को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं रहते हैं। इनके लिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाना एक खेल की तरह होता है। अगर उन्हें लगता है कि आप उनकी आजादी पर पाबंद लगा रहे हैं तो ये अपना आपा खो देते हैं। मकर राशि के जातक बहुत ही आत्म केंद्रित होते हैं। इनके लिए सफलता आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई बार आपको उन्हें आपकी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ता है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके साथ डेट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए आए हैं। कुंभ राशि के जातक बिना कारण के ही असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। संभव है कि जब आप इनसे गहरे भावनात्मक लगाव की उम्मीद करें तब ये आपसे अलग हो जाएं। उनका संघ की व्यवहार आपको हैरानी में डाल सकता है। वह पूरी तरह से खुद को आपको सौंपने में भी असहज महसूस करते हैं। मीन राशि के जातक अपने अर्धशवादी नजरिए के कारण अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। उनके ज्यादा भावनात्मक नजरिए से आपको उन्हें हैंडल करने में परेशानी हो सकती है। ये अपनी बनाई हुई दुनिया में जीते हैं जो उन्हें कमिटमेंट के लिहाज से कमतर बनाता है।